नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया है, हमारा टाइटल है काजल हैक्स। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में काजल लगाने के 5 आसान हैक्स। कभी नहीं फैलेगा तुमसे काजल। आइए काजल लगाने के हम तरीकों के बारे में जानते हैं। इन तरीकों को इस्तेमाल करने से काजल फैलना, कई लोगों को शिकायत होती है कि काजल लगाते हैं काजल फैल जाता है, लगाते हैं उसे रोकने का। काजल लगाने से हमारी आंखें बहुत खूबसूरत लगती हैं। काजल हमारी आंखों की और चेहरे की सुंदरता गरिमा को बढ़ा देता है, ब्रेसिव बना देता है। तो काजल लगाना हर किसी को आता नहीं है। अक्सर लोग जब काजल लगाते हैं तो फैल जाता है। आइए हम उसको बचाने के तरीके जानते हैं। आंखों का काजल या आई मेकअप करते समय जब तक काजल आंखों पर ना लगे तब तक लुक पूरा नहीं होता। काजल आंखों की सुंदरता को भी बढ़ा देता है, ये तो हम सभी जानते हैं। इससे हमारी आंखें बड़ी और गहरी दिखाई पड़ती हैं, चेहरे की सुंदरता दुगनी हो जाती है। कोई भी शुभ अवसर हो या कुछ भी कहीं आना हो या जाना हो तो हम काजल, और कुछ ना भी लगाएं तो भी हम काजल और बिंदी प्रयोग करते हैं। भारतीय हो या फॉरेन में हो, अमेरिका में हो, कहीं पर भी काजल हर महिला या पुरुष, आजकल तो पुरुष भी लगाते हैं काजल। काजल जो रहता है आई मेकअप करते समय जब तक आंखों पर ना लगे तब तक लुक पूरा नहीं होता। तो ये जब हम काजल यूज करते हैं तो ये आंखों की सुंदरता को बढ़ा देता है, दुगना कर देता है। काजल से आंखों को सही शेप दिया जा सकता है। छोटी आंखें तो बड़ी दिखाई जा सकती हैं, बड़ी आंखें छोटी दिखाई जा सकती हैं, या हमें किसी पर्टिकुलर ओकेजन या ड्रेस के हिसाब से काजल लुक चेंज, आँख का लुक चेंज करना है वो भी हम कर सकते हैं। तो काजल लगाना के स्टाइल्स तो होते ही डिफरेंट, लेकिन आपने काजल लगा लिया उसके बाद वो आप आँखों में बना रहे और सही जगह सही समय तक बना रहे, उसके तरीके जानते हैं। फैल गया काजल, अक्सर महिलाओं की शिकायत रहती है कि थोड़ी देर लगाने के बाद ही काजल फैल जाता है। ऐसे में कई लोग महंगे से महंगा काजल खरीदते हैं लेकिन फिर भी काजल फैल जाता है। आप कितना भी महंगा काजल खरीद लें, यदि आपकी पनीली आंखें हैं तो काजल आप लगाएंगे और थोड़ी देर में 5 मिनट में फैल जाएगा, 2 मिनट में फैल जाएगा। यदि किसी पर्टिकुलर ओकेजन के लिए तैयार हो रहे हैं तो अच्छा, इससे बचने के लिए हम लिक्विड काजल लगाते हैं कई महिलाएं, लेकिन लिक्विड काजल भी फैल जाता है क्योंकि उनकी आंखें पनीली होती हैं, तो लिक्विड काजल भी फैल ही जाता है या खराब हो जाता है, शेप में नहीं रहता, ज़्यादा देर नहीं रहता। तो इससे बचने के लिए हम कुछ हैक्स जानते हैं कैसे लगाएं स्मज फ्री काजल। स्मज फ्री मीन्स काजल फैलना। कैसे लगाएं स्मज फ्री काजल? काजल लगाने का भी सही तरीका और कुछ हैक्स आ चुके हैं। इन हैक्स की मदद से काजल लगाने पर ये कभी नहीं फैलेगा और छूटेगा भी नहीं। जितने भी लंबे समय तक आपको लगाना हो ये भुआम बना रहेगा। हालांकि लोग आजकल पेंसिल इस तरह से ऐड करते हैं महंगे से महंगे काजल और पेंसिल को कि ये लॉन्ग लास्टिंग है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप यदि आँखें पनीली हैं तो आप कोई भी महंगा काजल इस्तेमाल कर लें वो फैल ही जाएगा। उसको बचाने के लिए आपको कुछ विभिन्न प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उन्हीं को हम जानते हैं। कंसीलर, पहला प्रयोग है कंसीलर का।
काजल अगर फैल जाता है तो इसे लगाने से पहले आंखों के नीचे हल्का सा कंसीलर लगा लें। कंसीलर सूखने के बाद काजल लगाएं। ये कभी भी काजल को फैलने नहीं देगा। कंसीलर हमें दाग धब्बे छुपाने के लिए जो हम लगाते हैं अमूमन चेहरे पे, उसी कंसीलर की बात कर रही हूँ। उसका प्रयोग आप अंडर आई करें और डार्क सर्कल छुपाने के लिए, लेकिन जब सूख जाए तो इस तरह से लगाएं आंखों के आसपास कि वो हमें काजल फैलने से रोकने में मदद करता है। तो कंसीलर हमारे काजल को इस मजबूरी करता है। दूसरा प्रयोग है लूज पाउडर। यदि कंसीलर ना हो तो हम लूज पाउडर भी लगा सकते हैं। आंखों के नीचे हल्का सा पाउडर लगाकर ब्लेंडर से सेट कर लें, फिर काजल लगाएं। तो जैसे मैंने कंसीलर बताया कि कंसीलर लिक्विड होता है, महंगा भी होता है, हर किसी के पास होता नहीं है या अफोर्ड नहीं कर पाते हम। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे में लूज पाउडर जो घर हर घर में अवेलेबल रहते हैं, बच्चों के लिए आता है, पर्सनल यूज के लिए आता है, आता ही है, तो आप लूज पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कंसीलर हम ना भी लगाएं तो आंखों के आसपास पहले हम लूज पाउडर लगा लें और फिर उसे अच्छे से ब्लेंड करके सेट कर लें और कुछ देर बाद हम काजल लगाएं। तो ये मजबूर करता है। तीसरा तरीका है बर्फ। कई लोगों को आंखों के नीचे का हिस्सा काफ़ी क्या बोलना चाहिए उसे फूल सा जाता है, जिसको काजल फैल जैसे किसकी वजह से काजल फैल जाता है, ऐसे में आइस क्यूब्स लगाने से को कपड़े में बांध कर लगा हल्का सा रगड़े, सूखने के बाद काजल अप्लाई करें। इससे सूजन भी कम होगी और जो ऑयलीनेस रहती है आँखों के, कई लोगों की आँखों के नीचे का जो हिस्सा होता है बहुत ही ज़्यादा ऑयली होता है, ऑयली उसमें एक्टिव रहती है, तो बर्फ से हम उसको सेटल कर सकते हैं। बाद हम फाउंडेशन का यूज़ कर सकते हैं। फाउंडेशन लगा कर भी काजल लगाने पर ये फैलता नहीं है। स्किन टोन के हिसाब से अपने फाउंडेशन का चयन करते हैं चेहरे पर लगाने के लिए। इसे सेट होने दें फिर काजल लगा दें, तो ये काजल को स्मचब्रेक कर देता है। तो जैसे हम यही फाउंडेशन जो हम आपके आसपास लगाएंगे वो सूखने में थोड़ी देर वो हमें काजल को स्मचब्रेक करेगा। इसका नया रूप आया है आजकल बीबी क्रीम। बीबी में फाउंडेशन का या कंसीलर ना हो तो हम बीबी क्रीम जो आजकल आता है आंखों के नीचे लगाएं, उसको सेट होने दें और फिर काजल लगाएं। जैसे
टच नहीं करना चाहिए और ना ही रगड़ना चाहिए, इससे काजल लंबे समय तक लगा रहेगा और फैलेगा भी नहीं। अक्सर कई लोगों को इचिंग होती है, इचिंग का प्रॉब्लम रहता है, तो अनजाने में आँख रगड़ ही लेते हैं। इससे हमें कोशिश करना चाहिए कि हम ऐसा ना करें, वरना काजल फैलेगा ही यदि आप टच करेंगे या रगड़ेंगे तो इस ऐसा कुछ भी करने से, हाथ लगाने से, बार बार हाथ लगाने से आँखों में बचना चाहिए, इससे हमारा काजल फैलने से रुकेगा, अपनी जगह पर बना रहेगा जो हमने जैसा लगाया है। क्योंकि यदि हम स्मज फ्री काजल बना भी लेंगे और यदि हम उसे बार बार टच करेंगे, गीले सूखे या किसी तरह के हाथों का इस्तेमाल करेंगे, तो काजल अपनी जगह पर बना नहीं रहेगा, फैल जाएगा या ब्रोकन हो जाएगा, तो वो देखने में गंदा दिखाई पड़ेगा। ऐसा ना हो, इससे बचने के लिए हम हाथ को बार बार टच ना करें और आँखों को मले भी नहीं। कोशिश करें कि आँखों को हम रगड़े नहीं, क्योंकि कुछ भी हमारे आँख में जाता है हम फट से आँख को रगड़ने लगते हैं। कभी हम आँख को छूने लगते हैं, कभी हम आँख पे पानी डाल लेते हैं बिना ध्यान दिए, तो ऐसा करने से बचना चाहिए। काजल लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और आपकी आँखें दिन भर तरोताज़ा और सुंदर दिखती रहेंगी, और जैसा आपने लगाया है काजल वैसा ही बनी रहेंगी। और इसमें आखिरी उपाय है कि आपको सही काजल भी खरीदना चाहिए। काजल खरीदते समय पतले ब्रश वाला काजल, लिक्विड काजल यदि खरीद रहे हैं आप, तो या फिर अच्छे आई पेंसिल काजल लें, इससे परफेक्ट तरीके से काजल अप्लाई होगा और आँखें सुंदर दिखेंगी। आजकल कई तरह के ऐसे कंपनी के काजल अवेलेबल है, लिक्विड काजल अवेलेबल। यदि हम मोटे ब्रश और या मोटी पेंसिल का काजल चुनेंगे, पेंसिल काजल अवेलेबल है, तो खुद ही काजल फैल जाएगा। ब्रश या मोटे पेंसिल हमें चाहिए कि हम अच्छा पतला ब्रश अच्छी कंपनी का खुद ही फैला जाता है लें, उनसे पतला ब्रश अच्छे पतले ब्रश वाला काजल कंपनी की पतली पेंसिल लें। थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं तो ये हमें आँखों को सुंदर बनाने, ये एक वन टाइम एक्सपेंस होता है, वन टाइम आप इसे खरीद लें, आपको करना चाहिए। और अच्छा पेंसिल यूज़ करें, क्योंकि आँखें भी सुंदर रहेंगी और आँखों के लिए हमेशा अच्छा काजल महंगे ज़रूर होंगे। अच्छा काजल पतले लाइनर यूज़ करें, पतले ब्रश के थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, लेकिन आपकी आँखें भी स्वस्थ रहेंगी और साथ में आपकी काजल सुंदरता भी बढ़ेगी। शेप में लंबे समय फैलने खुद ही नहीं फैल जाएंगे, मोटी पेंसिल मोटा ब्रश ध्यान खुद ही फैल जाता है। इनसे आपका बचाव स्मज फ्री भी बना सकते हैं और हमारी आँखें। आशा करती हूँ आपको मेरी दी हुई जानकारी जैसे हमने काम आएगी, जैसे हम लगाते हैं और आपकी आँखें सुंदर बनी रहे, इसी कामना करती हूँ। और मेरा व्लॉग देखते रहिए। यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें।